कि किस तरीके से आपको लाइव एंट्री ले नॉट लाइव एंट्री एंट्री कैसे लेते हैं पहली वीडियो मैंने बात कर ली थी कि, कि कन्फर्मेशन कैसे करते हैं सपोर्ट कैसे बनाते हैं रजिस्टेंट कैसे बनाते हैं फिर हाइयर हाई high और लोअर लो को कैसे देखते हैं देखो अभी लुपिन का एक लाइव मार्केट चल रहा है राइट तो अभी हम डाउन ट्रेंड को हमने पहले अप ट्रेंड को लेकर के देख चुके हैं अब हम डाउन ट्रेंड को भी लेकर के एक बार देख करके चल सकते हैं किस तरीके से काम करता है किस तरीके से ठीक है गाइज तो क्या होता है ना अभी देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई और हमने पिछली बार ई की बात की थी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थर्टी एंड थर्टी एंड फिफ्टी की ये मूविंग एवरेज आपका फिफ्टी का है और ये वाला मूविंग एवरेज आपका थर्टी का ठीक है तो आप अगर देखोगे तो कन्फर्मेशन आपको मिल चुकी है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई तो और एक कंफर्मेशन लेने के लिए जब भी शेयर यहाँ तक पहुँचे जैसे यहाँ टचिंग एंड इस मार्केट के राउंड ऑफ पहुँचे तो आप इधर से सेल कर सकते हैं बार बार ऑप्शनस फ्यूचर्स में सेल करके चल सकते हैं राइट ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा राइट तो ऐसे अब मैं लाइव एंट्री बता तो दूँ कैसे आपको एंट्री लेनी है अब एग्जिट का होने वो हम नेक्स्ट एंट्री मिलेंगे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें ये कौन से थर्टी मिनट्स कैंडल सिक्स चार्ट राइट अब लुपिन की बात अगर मैं बात करूँ थर्टी मिनट्स कैंडल से चार्ट की अगर मैं बात करूँ जैसे आपको ये दिख रहे हो अब इसमें लाइव मार्केट में तो कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा लोअर हाई लोअर लो सच कुछ दिख नहीं रहा राइट right? आप इसमें फिर लाइव मार्केट कैसे लोगे तो इसलिए बहुत रेयर होता है ये स्विंग uh, मार्केट्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है तो इसलिए आपको हमेशा क्या बोलते हैं वन डे चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा स्विंग हाई एंड स्विंग लोज मिल सकता है इसलिए मैंने क्या बोलते हैं डे टाइम फ्रेम में आपको दिखाया ये ठीक है आप अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेली मार्केट में कोई भी अपना शेयर उठाइए उसके हिसाब से चेक कीजिए आपको उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसमें एडवांस लेवल की एंट्रीज मिल सकती है ठीक है बट ये मैं आपको प्राइस एक्शन बताना चाहूँगी प्राइस एक्शन वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है मैंने जब के लिए स्टार्ट किया बिकॉज एक रीज़न इसके पीछे स्टार्ट करने का क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर प्राइज एक्शन से स्ट्रैटेजी लेते हैं सब लोगों और तरह से परफेक्ट एंट्री आती है तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि उसका बेसिक एंड देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अगर कोई फर्स्ट विजिटर है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी ना देखें आप पहले आई बटन में जा कर के प्राइज एक्शन की पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए उसके बाद इस वीडियो पर आइए डोंट वरी आपके पास में अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो हमने बहुत छोटी छोटी क्लिप्स बना करके इसमें पोस्ट किया है जिससे आपको पूरा प्राइज एक्शन बहुत ही कम टाइम में अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं लाइव एग्जाम्पल कैसे हम एंट्री लेते अगर लेंगे तो एंट्री कैसे लेंगे यहाँ से देखो नीचे गया यहाँ से ऊपर गया नीचे गया यहाँ दो लेवल आपको कन्फर्मेशन मिल गया जैसे ऊपर गया ये मूविंग एवरेज थर्टी को मूविंग एवरेज फिफ्टी को इसने थर्टी को टच किया थर्टी को टच करने के बाद में इसने चलते कन्फर्मेशन पहला दिया दूसरा कन्फर्मेशन आपने दिया कि ये पिन बार कैंडल बना पिन बार कैंडल के बाद आप देख सकते हो लोअर हाई कितना अच्छा बना ठीक ऊपर गया ये थोड़ा सा थोड़ा आस पास के एरिए में आप देख सकते हो बट आपको तो पता चल ही गया है कि ये अब नीचा ये ऐसे ऊपर गया जब दो लग, तीन लगातार तीन कैंडल्स बनती है तो उसे लोअर लो भी बोलते लोअर हाई भी बोलते हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप पहली पाँच पाँच चार वीडियोज़ में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ज़िक्र किया था कि लोअर हाई का बनता है और हायर हाई का बनता है देन नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद में लोअर लो लोअर लो मतलब इससे जैसे इस लेवल को तोड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू सिक्स ट्वेंटी नाइन का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोअर लेवल लेंगे जैसे कि ये वाला लेवल तोड़ा इसने दो सात सौ आठ का लेवल तोड़ा तो लोअर लो हो गया छः सात सौ एक का लेवल तोड़ा तो लोअर लो मैं भी ये भी मान सकता हूँ बट ये नहीं क्योंकि मेरे पास में मुझे पता है कि लोअर लो का मतलब लगातार तीन या चार कैंडल आप देख सकते हो तीन लगातार कैंडल बनी यहाँ दो दो कैंडल बनी अगर मैं यहाँ भी लेता तो लगातार दो कैंडल नहीं बनी है ये तीसरी कैंडल नहीं बनी है दूसरी कैंडल है फिर यहाँ भी ले सत लगा था दो है बट कोई नहीं अगर हम यहाँ भी लेकर के यहाँ दोबारा वेट करते तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ तक भी अगर अपना बुक करते प्रॉफिट तो बुक कर सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फिर ऊपर गया देन यहाँ से लोअर लो तो आप देख सकते हो तो किस तरीके की एडवांस एंट्री आप ले सकते थे अब ये चीज़ थी कि आप काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी पूछा पिछली वीडियोस में कि सर आपने सिर्फ बाय करने का सिखाया अगर सेल की एंट्री होगी तो किस तरीके से लेंगे तो मैंने आपको लाइव एंट्री एग्जाम्पल के साथ में बता दिया कि किस तरीके से अगर हमें क्या बोलते हैं लाइव सेल में अगर एंट्री लेनी तो किस तरीके से लेनी है ठीक है देखो अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चीज़ को तो प्लीज़ ना देखें क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा जिस तरीके से मैंने समझाया और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ शायद आपको थोड़ा सा ट्रिगर करे थोड़ा समझ में आए बट फिर आप दोबारा क्या बोलते मग अप करने वाली कोशिश पर आ जाओगे तो मग ना करो थोड़ा सा टाइम लगाओ और सीरीज को सीखो ठीक है तो अगली सीरीज़ में आपके साथ में मैं और भी अच्छे एडवांस लेवल की कैसे कितना हमें पॉइंट लगाने और कितने एग्जिट एवरी थिंग मेरे को लेकर के चलना है ठीक है तो थैंक यू सो मच गाइज टू तो वॉचिंग आर वीडियो डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब आय चैनल डी टी फो थैंक यू